हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 20 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चन आपके स्पेशली CHO, RRB, रेलवे, BHU, जिपमर, PGI, रोहतक आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना न भूलिए। फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट है, डॉट्स स्टैंड फॉर, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापेटिक सर्विस, एंड ऑप्शन डी है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्यूबरक्यूलोसिस सर्विस। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऑप्शन बी इज राइट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कब शुरू किया गया डॉट्स? लॉन्च्ड इन इंडिया मार्च 1997 में इंडिया में लॉन्च किया गया। कवर होल कंट्री इन 2006 में ये पूरे देश में लागू हो गया। अमोंग दीज विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विल डैमेज एट्थ क्रेनियल नर्व, निम्न में से कौन सी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है? इथाम्बुटोल, आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो एंटीक्यूलर ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, ऑप्शन डी इज राइट। आगे लिखा गया है एमिनोग्लाइकोसाइड इज ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक की एक क्लास जिसमें एमिनोग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है, इसमें शामिल होती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। डैमेज 8th क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलर कोक्लियर एंड कोज ऑटो टॉक्सिसिटी, यानी स्टेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन है, ये 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकते हैं। 8वीं क्रेनियल नर्व को वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व कहा जाता है, जिस वजह से ऑटो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, यानी बहरापन भी हो सकता है। ए 30-year-old प्रेग्नेंट वुमन इज डायग्नोज विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, 30 साल की जो प्रेग्नेंट वुमन है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस से डायग्नोज हुई है। विच ऑफ फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग शुड नॉट बी गिवन, तो इस टाइप के पेशेंट में कौन सी जो एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग है वो नहीं दी जाएगी? रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल या फिर आइसोनाइजाइड। तो फ्रेंड, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है ये प्रेग्नेंट वुमन में कभी भी नहीं दी जाएगी, ऑप्शन बी इज राइट। क्यों नहीं दी जाएगी, कारण देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन में कोज ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इनटू डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस में ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है, क्योंकि इट आल्सो कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। क्या दिया जाएगा फिर प्रेग्नेंट वुमेन में? आइसोनाइजाइड अलोंग विद पायरोडॉक्सिन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर एंटीक्यूलर ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है तो वो है आइसोनाइजाइड विद पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट लेते हैं, वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर मेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी इज राइट। फीमेल एनोफिलीज है वो वेक्टर ऑफ मलेरिया होता है, ऊपर क्वेश्चन में बात कर सकते हैं। और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये वेक्टर ऑफ फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया का कारक होता है। और जो एडेज या टाइगर मॉस्किटो है ये वेक्टर ऑफ येलो फीवर और डेंगू होता है, यानी येलो फीवर और डेंगू है वो एडेज या टाइगर मच्छर की वजह से होते हैं। और जो मैनसोनिया मॉस्किटो होता है वो वेक्टर होता है चिकनगुनिया का, ये भी याद रख लेना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चिकनगुनिया इज फीवर ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो स्पेसीज एक्सेप्ट, चिकनगुनिया फीवर है ये मॉस्किटो की निम्न स्पेसीज के द्वारा फैलता है किसी एक को छोड़कर। तो किस मॉस्किटो की जो जाति है उससे चिकनगुनिया नहीं फैलता है वो अपने को बताना है। एडीज क्यूलेक्स मैनसोनिया फिर एनोफिलीज, तो एडीज क्यूलेक्स और मैनसोनिया है इन तीनों से चिकनगुनिया है वो फैलता है, जबकि एनोफिलीज है इससे सिर्फ मलेरिया ही फैलता है, ऑप्शन डी इज राइट। एनोफिलीज से चिकनगुनिया है वो नहीं फैलता है। चिकनगुनिया इज
ए नॉन फेटल वायरल डिजीज, चिकनगुनिया है ये नॉन फेटल वायरल डिजीज है। कई बार पूछ लिया जाता है कि चिकनगुनिया वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया का कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवल या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम की चार पार्ट होते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवल है, ये सिंपल होते हैं और इंडिया में मोस्टली पाए जाते हैं। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये बहुत कम पाया जाता है और बहुत ही डेंजर होता है। सेरेब्रल मलेरिया का जो कारक है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ही होता है। ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखो लिखा है, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैल्सीफेरम मलेरिया, यानी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है इस मलेरिया के जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन मलेरिया इन्फेक्शन आल्सो कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर, ब्लडी यूरिन, यानी इससे ब्लैक वाटर फीवर भी हो जाती है। सेरेब्रल मलेरिया होता है जिससे ब्लैक वाटर फीवर हो जाती है, यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगता है, ब्लड ब्लैक कलर का, सॉरी यूरिन ब्लैक कलर का आने लगता है। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया, मलेरिया में कौन सा ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट। तो जो स्प्लीन है वो मलेरिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ऑप्शन बी इज राइट। आगे क्या लिखा है, ऑल दो लीवर एंड स्प्लीन बोथ आर अफेक्टेड इन मलेरिया बट मोस्ट सीरियस इज स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन है ये दोनों मलेरिया में इफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, मोस्ट सीरियस अफेक्टेड होता है, वो होता है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाई एयरबोन ड्रोपलेट, निम्न में से कौन सी डिजीज है ये एयरबोन ड्रोपलेट से नहीं ट्रांसमिटेड होती है, नहीं फैलती है? मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पे जो मीजल्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस है ये ड्रोपलेट एयरबोन से फैलती है, ट्रांसमिटेड होती है, जबकि जो पोलियोमाइलाइटिस है ये एयरबोन ड्रोपलेट से नहीं फैलती है। ऑप्शन सी इज राइट। पोलियोमाइलाइटिस कैसे फैलती है ये देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस मेनली ट्रांसमिटेड बाया फिको ओरल रूट, फिको ओरल रूट से जो पोलियोमाइलाइटिस है, पोलियो है, ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पोलियोमाइलाइटिस का, ये भी देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन का, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन का। ए 4-year-old क्लाइंट वॉज बोट टू द हेल्थ सेंटर विद चीफ कंप्लेंट ऑफ सीवियर डायरिया एंड पेसेज ऑफ राइस वाटर, यानी 4 साल का बच्चा जिसमें मुख्य कंप्लेन है उसको सीवियर डायरिया हो रहा है और राइस वाटर टाइप का सीवियर डायरिया हो रहा है। द क्लाइंट इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम विच कंडीशन, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज़ है कि ये इसमें कौन सी डिजीज हो सकती है? जीरियाडिसिस, कोलेरा, एम्यूबियासिस या फिर डिसेंट्री। तो ये है वो कोलेरा के सिम्टम्स होते हैं, राइस वाटर स्टूल। ऑप्शन बी इज राइट। सीवियर डायरिया हो और अगर राइस वाटर स्टूल उसमें आ रहा हो तो ये कोलेरा होता है। ऑप्शन बी इज राइट। आगे कोलेरा के बारे में और चीज़ देख लेते हैं। कोजिटिव ऑर्गेनिज्म कोलेरा का क्या होता है? विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया इसका कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर कोलेरा, कोलेरा के कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है टेट्रासाइक्लिन दी जाती है 3-day BD। अल्टरनेटिवली डॉक्सीसाइक्लिन में भी यूज, अगर टेट्रासाइक्लिन न हो तो डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द डिजीज गिवन बिलो आर वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, नीचे दी गई जो सभी डिजीज है ये वाटर बोर्न डिजीज है किसी एक को छोड़कर। तो अपने को बताना है कि वाटर बोर्न डिजीज है वो कौन सी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेप्टोस्पोरियोसिस या फिर सिस्टोमोसियासिस या फिर टाइफॉइड फीवर या फिर ब्रुसेलोसिस। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ब्रुसेलोसिस है ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं होती है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट, मम्स किस को अफेक्ट करती है? सेलेवरी ग्लैंड्स, टंग, पेरोटिड ग्लैंड्स या फिर थायराइड। तो मम्स है ये पेरोटिड ग्लैंड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ऑप्शन सी इज राइट। और देख लेते हैं मम्स के बारे में,
Mumps is an acute contagious disease caused by paramyxovirus. Acute contagious disease है जो कि parotid glands को affect करती है. Paramyxovirus इसका causative organism है, याद रख लेना है. Incubation period होता है 18 days का, लेकिन 2 से 3 week तक भी इनका इसका incubation period माना जाता है. तो question में जिस हिसाब से options दिया गया हो आपको solve कर देना है. Mostly 18 दिन का माना जाता है, लेकिन 14 दिन से लेकर 21 दिनों तक यानी 2 से 3 weeks तक की इसका incubation period होता है. Commonest complication of mumps is, mumps जो disease है इसका सबसे ज़्यादा commonest जो complication है वो कौन सा होता है. ऑप्शंस देखे हैं, निमोनिया, एनसिफिलाइटिस, मायोकार्डाइटिस या फिर ओरकाइटिस और ओफेराइटिस. तो जो मम्प्स है इसका सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ओरकाइटिस एंड ओफेराइटिस. ऑप्शन डी इज राइट. बाइलेटरल ओरकाइटिस में कोज स्टरिलिटी इन टू मेल. अगर बाइलेटरल ओरकाइटिस हो गया तो मेल्स कैंडिडेट्स में स्टरिलिटी भी हो सकती है, नपुंसकता भी हो सकती है फ्यूचर में चलकर. प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन, प्लेटलेट काउंट है वो किस डिजीज में है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या फिर टाइफॉइड फीवर. तो प्लेटलेट काउंट है ये डेंगू फीवर में कम हो जाती है. ऑप्शन सी इज राइट. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, अर्बो वायरस. एडीज मच्छर का जो अर्बो वायरस है ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है. डेंगू का दूसरा नाम क्या है, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉस्किटो बोर्न डिजीज एक्सेप्ट. नीचे दी गई सभी जो डिजीज है वो मॉस्किटो बोर्न डिजीज है किसी एक को छोड़कर. ऑप्शंस दिया गया है मलेरिया, फाइलेरिया, केएफडी या फिर डेंगू. तो यहाँ पे जो मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू है ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज होती है, जबकि जो केएफडी है ये मलेरिया बोर्न डिजीज नहीं होती है. ऑप्शन सी इज राइट. क्या होता है केएफडी ये देख लेते हैं. केएफडी यानी कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसको कहा जाता है इज ए वायरल एनसेफेलाइटिस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई टिक बाइट के होने की वजह से ह्यूमंस में ये ट्रांसमिटेड होती है और एक टाइप का वायरल एनसेफेलाइटिस है केएफडी, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसकी फुल फॉर्म होती है. तो फ्रेंड्स ये हो गया है आज के क्वेश्चन. वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना भी ना भूलिए. फ्रेंड्स थैंक यू.